वेलकम टू पुलबैक इंडिकेटर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप यूएसडी पर कैसे ट्रेड करेंगे, विच इज गोल्ड। आई हैव क्रिएटेड दिस स्ट्रेटजी वेयर बिगिनर्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर योर लूजिंग ट्रेड्स विल गेट कन्वर्टेड टू विनिंग ट्रेड्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज नोट, दिस इज अ प्रोटेक्टेड इंडिकेटर। कंप्लीट स्ट्रेटजी को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस इंडिकेटर। जब आप पुलबैक इंडिकेटर्स को सब्सक्राइब करते हैं आपको चार अलग अलग इंडिकेटर्स मिलता है। द फर्स्ट वन इज पुलबैक, पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर, पुलबैक मोमेंटम इंडिकेटर एंड पुलबैक रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर। नॉट ओनली दैट, इस इंडिकेटर के साथ आपको मिलता है एक स्टॉक स्क्रीनर एंड वन ट्रायंगल एक्सटेंडेड टूल। सो वन बाय वन आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं बताना चाहूंगा विद दिस सेम इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजी आप बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स, कॉमोडिटी पर भी ट्रेड ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं विद आर फर्स्ट इंडिकेटर विच इज पुलबैक। जब आप पुलबैक इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करेंगे द फर्स्ट इंडिकेटर विल बी दिस वन बाय डिफॉल्ट। पुलबैक इंडिकेटर चार्ट पर डिस्प्ले होते ही ऑटोमेटिकली सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, सीपीआर बैंड, बाय एंड सेल सिग्नल, उसके साथ साथ दो मूविंग एवरेज की लाइन, वन इज येलो मूविंग एवरेज लाइन एंड द सेकेंड वन इज ब्लू मूविंग एवरेज लाइन, ये सब ऑटोमेटिकली चार्ट पर डिस्प्ले हो जाएगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अब स्ट्रेटजी पर चलते हैं। सिंपल स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आपको देखना है जो सीपीआर बैंड है ये नैरो है या वाइड है। अगर सीपीआर बैंड वाइड है तो इसका कलर लाइट होगा, दैट मीन्स मार्केट आज साइडवेज हो सकता है। एंड अगर सीपीआर बैंड नैरो है दैट मीन्स मार्केट आज ट्रेंडिंग हो सकता है, इधर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। एंड जब सीपीआर बैंड नैरो होगा बैंड कलर डार्क हो जाएगा। तो जैसे कि आज का दिन सीपीआर बैंड वाइड है तो हम केवल सपोर्ट जोन पर बाइंग करेंगे एंड रेजिस्टेंस जोन पर सेलिंग करेंगे, सपोर्ट जोन पर सेलिंग नहीं करेंगे। एंड जब सीपीआर बैंड नैरो होगा तो हम रेजिस्टेंस जोन पे भी सेल कर सकते हैं, रेजिस्टेंस जोन पर बाय भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम सपोर्ट लेवल पर भी बाइंग एंड सेलिंग बोथ कर सकते हैं। फॉर दिस स्ट्रेटजी वी विल यूज 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड कैंडलस्टिक्स, वी विल यूज रेगुलर कैंडलस्टिक पैटर्न। चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आज सीपीआर बैंड वाइड था, we will only buy on support zone। यहां पर आपको दो moving average line दिख रहा है चार्ट पर। जिन लोगों को commodities पर trade लेना है वो चार्ट के साथ yellow moving average line को follow करेंगे and rest of the segments हमें blue moving average line को follow करना है। buy signal मिलने के बाद आपको ध्यान देना है कि signal candle blue moving average line के ऊपर होना चाहिए, इस line को touch नहीं करना चाहिए और ना ही कैंडल इसके नीचे होना चाहिए, तब हम बाय साइड पर ट्रेड नहीं लेंगे। एंड हमेशा कैंडल भरा हुआ होना चाहिए लाइक दिस। छोटी कैंडल्स या जिन कैंडल्स के विक्स काफी लंबा है वैसे कैंडल को अवॉइड करेंगे। अगर आपको सेम कैंडल पर एंट्री नहीं मिलता है यू कैन वेट फॉर नेक्स्ट 4 to 5 कैंडल्स। तो आज के ट्रेड पर यहां पर आप देख सकते हैं सिग्नल कैंडल ब्लू मूविंग लाइन को टच कर रहा है, सो वी हैव टू इग्नोर। उसके बाद मिलता है एक सेल सिग्नल। आज सीपीआर बैंड वाइड है तो सेल साइड पर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगेन वन मोर बाय सिग्नल बट सिग्नल कैंडल ब्लू मूविंग एवरेज लाइन को टच कर रहा है, ऑलमोस्ट आफ्टर 8 to 10 कैंडल्स ये उसके ऊपर है तो यू कैन इग्नोर। अब प्रीवियस डे की चार्ट को देख लेते हैं। यस्टरडे वॉज अ ट्रेंडिंग डे क्योंकि सीपीआर बैंड नैरो है। तो फर्स्ट कैंडल पर हमें सेल सिग्नल मिला है बट सिग्नल कैंडल ब्लू मूविंग एवरेज लाइन को टच कर रहा है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान से देखना है कि बाय या सेल सिग्नल मिले सिग्नल कैंडल हमेशा सीपीआर बैंड के ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। अगर सिग्नल कैंडल सीपीआर बैंड के अंदर है या सिग्नल कैंडल सीपीआर बैंड को टच कर रहा है ऑन दैट केस आप ट्रेड नहीं लेंगे। आफ्टर दैट बाय सिग्नल एंड सिग्नल कैंडल भी ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है, सीपीआर बैंड नैरो है, आप रेजिस्टेंस लेवल पर भी बाय कर सकते हो। तो एग्जैक्टली कहां पर एंट्री लेंगे
टारगेट क्या रखना चाहिए एंड स्टॉप लॉस क्या होगा। एंट्री होगा 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग पर। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता है तब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे, जैसे ही कैंडल क्लोज होता है आप एंट्री लेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपका स्टॉप लॉस होगा जहां से लास्ट रिवर्सल हुआ है उस कैंडल की लाइन। ये जो कैंडल है यहां से रिवर्सल मिला है, सो दिस कैंडल लो विल बी योर स्टॉप लॉस। एंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट, जैसे जैसे टारगेट्स आपके अचीव होते जाएंगे आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, वो मैं अभी दिखाता हूं। सो ऑन दिस ट्रेड हमें सेकेंड टारगेट तक अचीव हुआ है। ट्रेड लेने के पहले ऑब्वियसली आपको स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है, अगर बड़ी स्टॉप लॉस है देन यू कैन इग्नोर दी ट्रेड। आफ्टर दैट ऑन दिस कैंडल सेल सिग्नल है, बट सिग्नल कैंडल काफी छोटी है एंड ब्लू मूविंग एवरेज लाइन को टच कर रहा है, सो वी कैन वेट फॉर नेक्स्ट 4 to 5 कैंडल। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री ले सकते हैं एंड स्टॉप लॉस क्या होगा, लास्ट रिवर्सल पॉइंट जिस कैंडल से हुआ है उस कैंडल की हाई होगा स्टॉप लॉस। एंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, जैसे जैसे आपके टारगेट्स अचीव होते जाएंगे यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया तो आप अपने जो सेलिंग प्राइस है वहां पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, जब सेकेंड टारगेट अचीव होता है देन यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू योर फर्स्ट टारगेट, जब थर्ड टारगेट तक अचीव होता है देन यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू सेकेंड टारगेट। दिस इज द वे यू हैव टू ट्रेल ऑल 4 टारगेट्स अचीव्ड। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हो ऑन 3 मिनट, 15 मिनट, बट काइंडली जो भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करें एक बार जरूर बैक टेस्ट कर लेना। थोड़ा और बैक टेस्ट कर लेते हैं, अगेन सीपीआर बैंड वाइड, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस जोन पर सेल करेंगे एंड सपोर्ट पर बाय करेंगे, रेजिस्टेंस जोन पर बाय नहीं करेंगे ना ही सपोर्ट जोन पर सेल करेंगे। सो हियर देयर इज अ सेल सिग्नल एंड सिग्नल कैंडल बिल्कुल ब्लू मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है एंड आपका स्टॉप लॉस होगा यहां पर एंड टिल सेकेंड टारगेट वी हैव अचीव्ड। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कब बाय एंड सेल सिग्नल आ रहे हैं, उसके लिए आपको स्टॉक स्क्रीनर पर जाना होगा, इंडिकेटर सेटिंग्स पर जाइए, यहां पर देयर इज स्टॉक लिस्ट। तो जब आप स्टॉक लिस्ट को ओपन करेंगे पहले से बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, काफी सारे स्टॉक्स यहां पर है। जिन स्क्रिप्ट्स पर आपको ट्रेड लेना है आप केवल उन्हीं स्क्रिप्ट्स को ऐड कीजिए, ओनली कीप दो स्टॉक्स विच यू वांट टू ट्रेड। लेट से आपको बैंक निफ्टी पर ट्रेड नहीं लेना है तो इसको अनटिक कीजिए, आपको क्रूड ऑयल पर ट्रेड नहीं लेना है आप अनटिक कीजिए, आपको फॉरेक्स पर ट्रेड लेना है फॉरेक्स रखिए, लेट से आपको निफ्टी पर भी ट्रेड लेना है तो यहां से आप एडिट कीजिए, यू कैन टाइप निफ्टी, देखिए निफ्टी आ गया, उसके बाद जो आपको नहीं चाहिए यू कैन अनसेलेक्ट एंड देन क्लिक ओके। तो जैसे ही आपको बाय या सेल सिग्नल मिलेगा ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड पर यहां पर जो स्क्रीनर है स्क्रीनर पर बाय एंड सेल डिस्प्ले होगा। ये स्क्रीनर एंड इंडिकेटर आपके मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों पर चलता है और अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट भी है तब भी आप इस इंडिकेटर को चला पाएंगे। नाउ लेट्स गो टू आर सेकेंड इंडिकेटर विच इज पुलबैक प्राइस एक्शन। ये सारे इंडिकेटर एक ही इंडिकेटर पर मर्ज्ड हैं। आप इन सारे इंडिकेटर्स को अलग अलग भी चला सकते हैं या एक साथ भी चला सकते हैं। जब आप पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे यहां पर जो आपको दो लाइंस दिख रहा है दिस इज द डिमांड जोन एंड दिस इज द सप्लाई जोन एंड ट्रायंगल पैटर्न। तो पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर बेसिकली क्या करता है, आपको डिमांड जोन, सप्लाई जोन एंड ट्रायंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ऑटोमेटिकली चार्ट पर अप्लाई कर देगा, आपको कोई भी ट्रायंगल्स अलग से ड्रॉ नहीं करना है। ट्रायंगल पर कैसे ट्रेड लेंगे इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आप न्यू कमर है तो काइंडली ट्रायंगल ब्रेकआउट पर अभी अवॉइड कीजिए, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। नाउ वील फोकस ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई का लॉजिक काफी सिंपल है, जैसे ही प्राइस डिमांड जोन को छूता है, छूने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है विद अ ब्लू लाइन एंड 3-4 कैंडल्स भी ग्रीन है, तब आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं
एंड आपका स्टॉप लॉस होगा डिमांड जोन के थोड़ा सा नीचे। अगर डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है देन अ न्यू डिमांड जोन विल बी क्रिएटेड, आपको वेट करना है। कई बार क्या होता है डिमांड जोन के आसपास से ये ऊपर चला जाता है, उस केस पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है कि कब प्राइस डिमांड जोन को छुए बिना ब्रेक किए, उसके बाद ऊपर जा रहा है। लेट से अगर ब्रेक हो जाता है देन अ न्यू डिमांड जोन विल बी क्रिएटेड, आपको वेट करना है। फिर जैसे ही प्राइस दोबारा उस डिमांड जोन तक आता है एंड बिना ब्रेक किए एक कैंडल बना के फिर ऊपर की तरफ जाता है, यू हैव टू टेक द एंट्री एंड स्टॉप लॉस होगा डिमांड जोन के नीचे। तो ऑन दिस केस यू कैन सी डिमांड जोन को प्राइस ने छुआ, ट्रेंड लाइन भी ग्रीन है एंड ऊपर की तरफ होना चाहिए ट्रेंड लाइन, तब आप ट्रेड पर एंट्री लेंगे। एंड आप देख सकते हैं अभी भी प्राइस ऊपर ही जा रहा है। एंड अगर मैं प्रीवियस डे की बैक टेस्ट करूं तो यहां पर देखिए प्राइस ने सप्लाई जोन को छुआ बिना ब्रेक किए, जब प्राइस नीचे आ रहा है ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो आपको यहां पर एंट्री लेना है एंड स्टॉप लॉस होगा सप्लाई जोन के ऊपर। ध्यान रहे इफ द सप्लाई जोन इज ब्रोकन तो नया सप्लाई जोन क्रिएट होगा, आपको वेट करना है कि कब प्राइस नेक्स्ट सप्लाई जोन तक जाए एंड बिना ब्रेक किए दोबारा प्राइस टच करके नीचे आ रहा है, यू हैव टू टेक द एंट्री। उसके बाद देयर वाज अ शार्प फॉल इन यूएसडी। बिगिनर्स के लिए डिमांड एंड सप्लाई काफी अच्छा इंडिकेटर है, ट्रेड्स कम मिलता है बट इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा है। जैसे ही प्राइस डिमांड या सप्लाई जोन को छूता है 70-80% ऑफ द टाइम छूने के बाद वी सी अ शार्प रिवर्सल ऑन बोथ द साइड। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कब प्राइस डिमांड एंड सप्लाई जोन को छू रहा है? वेरी सिंपल, सप्लाई जोन के पास में इफ यू राइट क्लिक उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट तो यहां पर ऑटोमेटिकली अलर्ट ऐड हो जाएगा। देखिए अलर्ट का सिंबल भी है। सिमिलरली अगर आपको डिमांड जोन पर अलर्ट यूज करना है तो आप राइट क्लिक कीजिए ऐड अलर्ट एंड ऑटोमेटिकली एक अलर्ट क्रिएट हो जाएगा। नाउ एनी पॉइंट ऑफ द डे अगर प्राइस डिमांड या सप्लाई जोन को छूता है यू विल ऑटोमेटिकली गेट एन अलर्ट इन योर डेस्कटॉप, इन योर लैपटॉप आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड यू कैन कैंसिल दिस अलर्ट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट राइट क्लिक ऑन द अलर्ट एंड रिमूव, अलर्ट ऑटोमेटिकली चार्ट से रिमूव हो जाएगा। नाउ गोइंग टू आवर थर्ड इंडिकेटर विच इज पुलबैक मोमेंटम। प्लीज नोट यहां पर जो टूल है ट्रायंगल लाइन एक्सटेंड, ये आपको बिल्कुल पहले से क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपके जो चार्ट है वो स्पॉइल हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कब आप इस टूल को यूज करेंगे, ओनली एट दैट टाइम आपको इस टूल को एक्टिवेट करना है, टाइम फ्रेम विल रिमेन द सेम। पुल बैक मोमेंटम जब आप चार्ट पर अप्लाई करेंगे, बेसिकली पुल बैक मोमेंटम पर बाय सेल सिग्नल के साथ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली चार्ट पर डिस्प्ले हो जाएगा। ट्रेड कैसे लेंगे? वेरी सिंपल, जैसे ही आपको बाय सिग्नल मिलता है आपको देखना है कि सिग्नल कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होना चाहिए। सिमिलरली जब आपको सेल सिग्नल मिलता है, सेल सिग्नल हमेशा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए, तभी आप ट्रेड पर लेंगे। तो सिग्नल कैंडल काफी छोटा है, यू कैन इग्नोर, और अगर आप ट्रेड लेते हैं तो यू हैव टू वेट। जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाता है तो आपको क्लोज पर आपको एंट्री लेना है एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। एंड टारगेट क्या होगा? फर्स्ट बेयरिश ब्लॉक एंड धीरे धीरे यू कैन ट्रेल। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुली, जैसे ही आपको बाय सिग्नल मिलता है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है तब आप ट्रेड नहीं लेंगे। अगर बाय सिग्नल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से काफी दूर है तब भी आप ट्रेड को इग्नोर करेंगे। आपको स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है 0.5% या मैक्सिमम 0.5% से थोड़ा सा ज्यादा, उस हिसाब से आपको ट्रेड पर एंट्री लेना है। अगर सिग्नल कैंडल काफी दूर हो जाता है देन योर स्टॉप लॉस विल बी बिग, एंड अगर एट द सेम टाइम अगर बुलिश एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में के बीच में सिग्नल है अगेन यू हैव टू अवॉइड। सो दिस इज हाउ वी ट्रेड ऑन पुल बैक मोमेंटम इंडिकेटर। Now let's go to our final indicator which is pullback range breakout. तो pullback range breakout indicator पर जब भी कोई particular range break होता है you will get upside और downside range breakout signals.
और यहां पर इन सारे रेंज ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट का सिग्नल मिलता है उसके साथ एक डबल कंफर्मेशन हमें चाहिए। तो वन कंफर्मेशन इज लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट को कैसे देखेंगे उसके लिए सेपरेट वीडियो है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि एक वैलिड रेंज ब्रेकआउट है और अ फॉल्स ब्रेकआउट। तो ये ट्रायंगल एक्सटेंड लाइन तभी काम करेगा जब आप पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर एंड ट्रायंगल लाइन दोनों को एक साथ अप्लाई करते हो। ट्रायंगल लाइन टूल को तभी चार्ट पर अप्लाई करना है जब आप रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर के साथ ट्रेड ले रहे हैं, तभी इस टूल को एक्टिवेट कीजिए, और एल्स इस टूल को यूज मत कीजिए, नहीं तो आपके जो चार्ट है वो मेस्ड अप हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए एक डेट जोन दिया हुआ है, टाइम फ्रेम को आप इग्नोर कीजिए। नाउ सिलेक्ट द डेट। तो लेट्स से टुडे इज 6 दिसंबर, हमें मैक्सिमम 5 या 7 डेज पीछे तक की डेट्स को सिलेक्ट करना है। तो ट्रायंगल एक्सटेंड लाइन टूल बेसिकली क्या है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल पैटर्न। तो जब भी हमें रेंज ब्रेकआउट मिलता है इस टूल को यूज करके वेरीफाई करना पड़ता है कि वेदर इट इज अ वैलिड रेंज ब्रेकआउट और नॉट। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, लेट्स से यहां पर हमें एक बुलिश रेंज ब्रेकआउट मिला है, तो हमेशा जो सिग्नल कैंडल है वो एक्सटेंडेड ट्रायंगल लाइन के ऊपर सिग्नल कैंडल होना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर बेयरिश रेंज ब्रेकआउट मिलता है तो सिग्नल कैंडल पूरी की पूरी इस लाइन के बाहर होना चाहिए। तो इस केस में देखिए दोनों सिनेरियो में कैंडल अंदर है एंड यहां से क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। तो यहां पर एक एग्जांपल देखिए, बुलिश ब्रेकआउट मिला ट्रायंगल के ऊपर, आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। बेयरिश रेंज ब्रेकआउट का सिग्नल मिला है एंड एक्सटेंडेड ट्रायंगल जो लाइन है उसके नीचे सिग्नल कैंडल है, आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। वन मोर थिंग, यहां पर देखिए करंटली मेरे चार्ट पर अभी पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर भी चल रहा है एंड रेंज ब्रेकआउट भी चल रहा है। तो यहां पर देखिए आप कैसे फेक सिग्नल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अगर आप मल्टीपल इंडिकेटर को एक साथ चलाएंगे ना, तो आपके जो फेक सिग्नल है या जो लॉसेस हैं ये काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं, एक बेयरिश रेंज ब्रेकआउट मिला है एंड बिल्कुल इस एक्सटेंडेड ट्रायंगल लाइन के नीचे ये है। एट द सेम टाइम आप देखिए यहां पर डिमांड जोन है, दैट मींस देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहां से रिवर्स हो सकता है, देन दिस विल बी योर नो ट्रेडिंग जोन। क्योंकि आपको पता है नीचे डिमांड जोन है, भले ही बेयरिश रेंज ब्रेकआउट का सिग्नल मिला है तो प्राइस ज्यादा नीचे नहीं आएगा, एंड आता भी है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस डिमांड जोन को टच करके दोबारा अपसाइड मूवमेंट दे दे। तो ये टूल आपको सिर्फ जब रेंज ब्रेकआउट मिलता है तभी चलाना है, वरना नहीं, बिकॉज योर चार्ट विल गेट मेस्ड अप। एंड इसके साथ एक और स्ट्रेटेजी है विच इज कॉल्ड सुपर बाय सुपर सेल स्ट्रेटेजी। सुपर बाय एंड सुपर सेल के स्ट्रेटेजी के लिए आपको ये दो इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, वन इज पुल बैक मोमेंटम एंड अदर वन इज पुल बैक रेंज ब्रेकआउट। और मेरा सजेशन ये होगा कि आप जब भी कोई भी स्ट्रेटेजी पर ट्रेड ले, कम से कम दो इंडिकेटर आप एटलीस्ट अपने चार्ट पर अप्लाई कीजिए। वन इज प्राइस एक्शन इंडिकेटर विच इज मस्ट एंड सेकेंड वन इज इधर पुल बैक मोमेंटम और पुल बैक। तो करंटली मेरे चार्ट पर अभी दो इंडिकेटर यूज हो रहा है, मोमेंटम एंड रेंज ब्रेकआउट। तो जब भी सेम कैंडल पर पुल बैक मोमेंटम और पुल बैक रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर सेम कैंडल पर बाय या सेल सिग्नल दे रहा है, देन वी कंसिडर एज ए सुपर बाय। एंड जब भी आपको सुपर बाय या सुपर सेल का सिग्नल मिलता है, ऑटोमेटिकली स्क्रीनर पर भी आपको सुपर बाय सुपर सेल डिस्प्ले होगा। सुपर बाय एंड सुपर सेल के ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक और स्ट्रेटेजी है विच इज कॉल्ड डबल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी। जब आप इंडिकेटर को सब्सक्राइब करेंगे आपको जितनी भी सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियोज है अवेलेबल हो जाएगा। दो या तीन इंडिकेटर भी आप एक साथ लगा सकते हैं, तो हो सकता है आपको पुल बैक मोमेंटम पर सिग्नल मिल रहा है या पुल बैक पर सिग्नल मिल रहा है, उस केस में आपको दिख रहा है कि ऊपर सप्लाई जोन है या नीचे डिमांड जोन है, तो वैसी सिचुएशन पर आप ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो भी लूजिंग ट्रेड्स हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। ट्रेडिंग के पहले प्लीज अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द मार्केट्स प्रॉपरली, हैव पेशेंस, ट्रीट द मार्केट एज अ बिजनेस, लर्निंग के ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेल
बट डोंट फेल टू ट्राई एंड ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड ट्रेड्स एंड ट्रेड विद डिसिप्लिन। तो आज के लिए दिस वॉज ऑल अबाउट आर यूएसडी गोल्ड स्पॉट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एंड बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग, हमेशा स्ट्रैटेजी को खुद से बैक टेस्ट कीजिए, कुछ दिन पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद छोटी कैपिटल के साथ शुरुआत कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा। अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। टिल देन कीप लर्निंग, बी डिसिप्लिन्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।